विदर्भ के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से होने वाली लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बात अगर गोंदिया जिले की जाए तो दो दिनों से आई लगातार बारिश के कारण नदी नाले पूरी तरह से भर गए हैं और सड़क भी डूब चुकी है। नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन्हें शासन की ओर से सतर्कता की चेतावनी दी गई है। इस बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे गोंदिया के ग्रामीण भाग से। हमारे जो प्रतिनिधि हैं राकेश रामटेके हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, हमें बताइए कि इस वक्त गोंदिया ग्रामीण की क्या स्थिति बनी हुई है? पिछले दो दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश वहां पर आई है, जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है, क्या बताएंगे आप? कल शाम से जो बारिश चालू हुई है इस वजह से गोंदिया जिले में पूरी तरह से चारों तरफ नदी और नाले पूरी तरह से भरकर जाने की वजह से पूरे यातायात प्रभावित हुई है। और गोंदिया जिले में जो तीनों डैम है उन तीनों डैमों में पानी इतना भर चुका है कि उनमें से कुजरटोला धरण का जो पानी है 12 गेट 5 फीट तक ओपन करके अभी फिलहाल डैम और आजू बाजू के इलाकों में फिलहाल उनको अभी सतर्कता का इशारा दिया गया है कि नदी किनारे बसे हुए लोग अपने सेफ जगह पर जाकर अपना जीवन यतीत करके बताया जा रहा है। अगर स्थिति गंभीर हुई तो प्रशासन की ओर से किस तरह की सुविधाओं की वहां पर अगर जानकारी अगर हमें मिली तो वो बताइए हमें, किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी? क्योंकि सतर्कता की तो चेतावनी यहां पर दी गई है कि सतर्क रहे, बावजूद अगर गंभीर स्थिति रही तो क्या किया जाएगा? जिला आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से फिलहाल में अभी यातायात और बोट की व्यवस्था तत्परता से दिखाई गई है, जिसमें गोंदिया जिले में आमगांव तालुका, सालेकसा तालुका और अर्जुनी मोरगांव तालुका में विशेष सतर्कता जताई जा रही है। जहां पर यातायात और जहां पर रोड अधिक जाम हुए हैं ऐसे जगहों पर फिलहाल में अभी लोग पुलिस प्रशासन को सतर्कता से बस और गंभीर जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन ने सूचित किया है। जिस तरह से गोंदिया ग्रामीण की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, दो दिनों से लगातार बारिश जारी है, सड़कें डूब चुकी है, क्या लगता है आपको कब तक वहां का जनजीवन जो है वो सीधे रास्तों पे आ पाएगा? फिलहाल अभी तो रिमझिम बारिश चालू होने की वजह से फिलहाल अपन अभी कह नहीं सकते कि आज रात तक शायद यातायात खुली हो जाए, पर फिलहाल बारिश का मौसम देखते हुए यही लग रहा है कि फिलहाल आज रात यातायात खुले होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश रामटेके गोंदिया ग्रामीण से, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से गोंदिया की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लगातार 20 और 21 तारीख की जो बारिश है उस वजह से काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहाँ का जो डैम है उसके दरवाजे भी खोल दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वहाँ किसी तरह की बड़ी जनधन की हानि ना हो।